हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक एम आई का सेट यहाँ पे आया हुआ है, और ये जो फ्रेंड मोबाइल है वो पूरी तरीके से डेड कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे रिपेयर में आया हुआ है। फ्रेंड यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, इसकी बैटरी भी ऐसा लग रहा है कि ये बैटरी जो है इसकी वो यहाँ पे फुली हुई लग रही है, ठीक है। तो खैर, प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से डेड मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अभी मैंने सेट को ओपन नहीं किया, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बार फ़ोन को चार्ज में ला के देख लेता हूँ यहाँ पे कि जो फ़ोन है वो हमारा चार्ज होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम फ़ोन को ओपन करने से पहले एक बार फ़ोन को चार्ज में यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ज में लगाने के बाद यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो नहीं कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। तो अभी इस फ़ोन को हम यहाँ से सिंपली ओपन करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अभी मैं यहाँ से चार्जिंग को निकालने के बाद एक बार सेट को यहाँ से ओपन पहले कर लेता हूँ। इसकी बैटरी फुली हुई है फ्रेंड, जैसा कि दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो इसकी जो बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा फुली हुई है, मतलब बैटरी इसकी पूरी तरीके से यहाँ पे जो है वो डैमेज हो गई है। देख सकते हो बैटरी की कुछ हालत देख के आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो अभी सिंपली फ्रेंड करते क्या है, इसका जो स्क्रू वगैरह है यहाँ से हम सिंपली पहले इसको ओपन कर लेते हैं, और दूसरी बैटरी एक बार पहले लगा के इसके अंदर हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये सेट है, जो कि सेट की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, और इसकी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज है, ठीक है। तो इसकी बैटरी को हम पहले यहाँ से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से जो है बैटरी मैंने इसको निकाल दिया है, और निकालने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक नई बैटरी भी है, इससे हम एक बार फ़ोन को जो है वो चेक कर लेते हैं। पहले इसकी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज है उसको हम यहाँ से एक बार पहले कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर इसको वोल्टेज 20 के रेंज पे यहाँ पे सेट करते हैं, और बैटरी कितनी चार्ज है सिंपली इसको यहाँ पे पहले एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 3.9 वोल्टेज चार्ज है, इतने में सेट हमारा आराम से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी को लगा देते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसको पैक कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमारा पावर की इसको सिंपली एक बार यहाँ पे हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की, बट यहाँ पे ये सेट जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे आप। और इसको एक बार फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग पे भी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो इसकी बैटरी को यहाँ पे हम निकाल देते हैं, और इस फ़ोन के अंदर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन जो वो ऑन नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। तो अभी पहले मैं एक बार फ़ोन की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन कुछ इस तरीके की कंडीशन है, और ये देख सकते हो यहाँ पे डैमेज टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है इस साइड में भी। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है यहाँ पे लाइट सेक्शन वगैरह हमारा, और ये भी देख सकते हो। और ये केन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा वाटर डैमेज टाइप का लग रहा है देखने से। ये देख सकते हो नेटवर्क सेक्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज लग रहा है देखने से आपको फ्रेंड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक बार बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग वगैरह हम चेक कर लेते हैं कि बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से ब्लर हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और जूम कर लेता हूँ उस तरीके से कुछ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये इसको हम सिंपली ग्राउंड करते हैं, ये हमारी नेगेटिव है, यहाँ पे देख सकते हो बीप आ रही है, और ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे हम रिवर्स वाइस में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 425 रीडिंग आ रही है जो कि नॉर्मल है, और यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस में अगर चेक करते हैं, मतलब पॉजिटिव पे पॉजिटिव अगर टच करते हैं हम यहाँ पे, तो फ़ोन यहाँ पे देख सकते हो हमारा हाफ शॉट दिखा रहा है। देख सकते हो फ्रेंड फ़ोन जो हमारा हाफ शॉट दिखा रहा है, अगर देख सकते हो यहाँ पे हाफ शॉट अगर दिखा रहा है फ़ोन, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये फुल शॉट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी ये जो आईसी लगी हुई है ये डीसी टू डीसी आईसी है, और हमारी चार्जिंग आईसी भी, और हमारी लाइट की जो कनेक्शन है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब जो हमारी बैटरी कनेक्टर पर हाफ शॉटिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन के अंदर फुल शॉटिंग होगी, ठीक है, और ये जो फ़ोन है वो इसी की वजह से डेड होगा, ठीक है। तो चलो पहले एक बार जो है हम इसके जो ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। तो ये जो रेड वाला है इसको सिंपली यहाँ पे हम ग्राउंड कर देते हैं, और ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर है जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड यहाँ पे भी देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। इधर चेक कर लेते, इधर साइड बीप आ रही है,
और इधर चेक कर लेते हो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है वो दोनों साइड से यहाँ पे बीप आ रही है। देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड यहाँ पे बीप देखने को मिल रहा है। और ये लाइट सेक्शन है हमारा, यहाँ पर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, इधर ओके है फ्रेंड। तो फ्रेंड लाइट सेक्शन में ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी दोनों साइड से यहाँ पे हमारा बीप देखने को मिल रहा है दोनों साइड से, ठीक है। तो अभी ये नेटवर्क सेक्शन के हमारे अंदर आ जाते हैं, नेटवर्क सेक्शन के अंदर फ्रेंड देख सकते हो एक साइड बीप आ रही है और दूसरे साइड में भी देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर भी बीप देखने को मिल रहा है, मतलब इस कैपेसिटर पर दोनों साइड यहाँ पर बीप आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डैमेज टाइप का दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले ये जो केन है थोड़ा सा इसको हम यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो एक कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से डैमेज बना हुआ लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर को एक बार हम चेक कर लेते हैं अभी कि क्या ये शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और इसको एक बार यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड एक साइड बीप आ रही है और दूसरे साइड भी अगर हम चेक कर लेते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड इधर भी बीप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर आपको देखने से ही लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा डैमेज लग रहा है यहाँ पे देखने से ही, ये कैपेसिटर मैं आपको एक बार सही से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज कैपेसिटर है, ठीक है। दो कैपेसिटर, एक छोटा है इसको भी यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया, ये कैपेसिटर है यहाँ आ चुका है ये कैपेसिटर एक, और ये भी कैपेसिटर को यहाँ पर मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ से तोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ से तोड़ दिया और ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पे आ चुका है। अभी एक बार हम इसकी शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं क्योंकि ये फ़ोन शॉर्ट आ रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज बना हुआ था, इसलिए मैंने इस कैपेसिटर को तोड़ दिया है और यहाँ पे एक बार शॉर्टिंग को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो अभी भी इसके अंदर जो है वो शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है फ़ोन के अंदर, देख सकते हो इधर भी बीप आ रही है और इधर भी बीप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था इधर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हो अभी भी ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं ये जो नेटवर्क सेक्शन का केन है इसको पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, पहले मदरबोर्ड को यहाँ से हम सिंपली ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इसको हम पहले फटाफट यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फ़ोन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की कंडीशन है इस साइड में, ये वाले केन को भी एक बार यहाँ से हम ओपन कर देते हैं और इधर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं तो इधर की कंडीशन कैसी है फ्रेंड। तो फ्रेंड इधर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है फ्रेंड। तो अभी हम क्या करते हैं इसका पहले नेटवर्क का जो कैमरा वगैरह यहाँ से हम निकाल देते हैं और ये जो नेटवर्क सेक्शन है इसको पूरी तरीके से यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क सेक्शन को भी यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है और ये भी जो कैपेसिटर है वो ये भी कुछ ज़्यादा डैमेज दिख रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप ये भी जो कैपेसिटर है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है। तो खैर अभी हम कैपेसिटर को नहीं तोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं इस पर पूरी तरीके से रोजिन पेस्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड ये ग्राउंड ये हमारा ब्लैक वाला है इसको हम यहाँ पे टच कर देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग आ रही थी तो ये सेक्शन पे एक बार यहाँ पे टच करके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे ये देख सकते हो ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कैपेसिटर यहाँ पे मेल्ट हो रहा है,
एक बार मैं कुछ इस साइड भी अगर अगर वह चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे कोई चीज़ मेल्ट नहीं हो पा रही है इस साइड, बट यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो कैपेसिटर वो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं हल्का सा रोजिन पेस्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने फिर से रोजिन पेस्ट को अप्लाई कर दिया है और एक बार फिर से हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं क्या क्या जो है वो हमारा ये एरिया जो हमारा मेल्ट हो रहा था इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो एरिया है, ये दोनों जो है हमारा लाइट सेक्शन है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है वो मेल्ट हो चुका है और ये हमारा कॉइल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है जो हमारे लाइट सेक्शन में लगा हुआ होता है, तो ये भी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले ये कैपेसिटर को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये एरिया मेल्ट हुआ है और कहीं पर भी कोई भी चीज़ हमारी मेल्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है पहले इनको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये भी शॉर्ट दिखा रहा था। ये कैपेसिटर को मैंने यहाँ से निकाल दिया बाहर। ठीक है, इसको हम यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया है, ये है हमारा कैपेसिटर। और एक बार इसकी पहले अब शॉर्टिंग को हम चेक कर लेते हैं कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग अभी भी है या फिर चली गई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो यहाँ पे चली गई है, देख सकते हो कुछ रीडिंग यहाँ पे मिलने लगा है। और ये जो कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर हमारा शॉर्ट दिखा रहा था, तो यहाँ पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो एक साइड बीप आ रही है और दूसरे साइड हमारे यहाँ पर बीप नहीं आ रही है। फ्रेंड देख सकते हो अभी नेटवर्क सेक्शन पर भी हमारा बीप देखने को मिल रहा था यहाँ पर, ये जो एरिया है हमारा, तो इसको हम एक बार रेड वाले को ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है, तो ये हमारा देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आना स्टार्ट हो गया। मल्टीमीटर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये हमारी पॉजिटिव है जो कि हमारी वीवेट की लाइन होती है, ये बिल्कुल ओके यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से जो इसकी जो शॉर्टिंग है वो यहाँ से प्रॉपर हट गई है। और एक बार अभी सेट को हम चालू करके देखते हैं कि जो फ़ोन वो ऑन नहीं हो पा रहा था, क्या ये सेट अभी चालू होता है या नहीं होता है। तो पहले एक बार हम सेट को ऑन करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बैटरी थी वो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, एक बार सेट को यहाँ से हम ऑन करके देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे ये ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम चार्जिंग पे लगा के देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो अभी अभी चालू भी नहीं हो रहा है, इसकी शॉर्टिंग हट गई है बट फिर भी ये फ़ोन जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ओके है बट फिर भी ये सेट चालू यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो है वो ऑन हुआ अभी। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे, तो इसका जो फ्रेंड ये जो ऑन ऑफ वाला पत्ती है वो भी शायद डैमेज है। यहाँ पे देख सकते हो, शायद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी पत्ती यहाँ से डैमेज बनी हुई है, तो शायद ये इसके वजह से ऑन नहीं हो पा रही थी। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको।
थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ से इसकी पत्ती भी डैमेज बनी हुई है, देख सकते हो यहाँ से ये कटी हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसी की वजह से जो सेट है वो ऑन नहीं हो पा रहा था, और इसकी चार्जिंग भी शायद प्रॉब्लम है। ये देख सकते हो यहाँ से पत्ती कटी हुई है, ये वाली यहाँ से। अभी यहाँ पे देख सकते हो सेट जो वो हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड अभी इसकी चार्जिंग भी प्रॉब्लम है, और इसकी जो ऑन ऑफ वाली पत्ती है वो भी कटी हुई है, चार्ज भी नहीं ले रहा था। और जब मैंने इसको इसकी जो पॉइंट होती है पावर की उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो यहाँ पे सेट ऑन होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब जो कंडीशन है वो आप ज़रूर चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि आपकी चार्जिंग पिन भी ख़राब होती है और ऑन ऑफ वाला स्विच भी ख़राब होता है। इस कंडीशन में कई लोगों को लगता है जो सेट है वो हमारा डेड बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सेट डेड नहीं है, प्रॉपर अभी सेट यहाँ पर चालू हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर सेट चालू हो चुका है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी जो लाइट है वो यहाँ से कम है, तो यहाँ से मैं लाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से मैं आपको इसका जो है देख सकते हो यहाँ से ये काम करना हमारा सारा चीज़ वर्क हो चुका है, देख सकते हो। और ये चार्जिंग भी हमारा फ़ोन नहीं हो रहा है, एक बार हम दूसरा चार्जर लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा चार्जर है वो यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। मैंने सॉरी फ्रेंड, मैं जो हूँ वो दूसरा चार्जर लगा रहा था जो कि बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। इसके लिए चार्ज ये नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मैंने दूसरा चार्जर लगा रहा था, ये चार्जर चालू था। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ़ोन हमारा चार्ज भी होना स्टार्ट हो गया है, और फ़ोन भी यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।